मुझे आन जान करना है। आप देख सकते हो भवन के पास पहुंच गए हम। से बोलो कितना सुंदर लग रहा है पहाड़ उधर। राम राम आप सबको, स्वागत आपके मेरे ब्लॉग में। तो आज देख सकते हो मैं कहाँ हूँ। आप रास्ता देख के पहचान गए होंगे कि मैं आई हूँ माता वैष्णो, माता वैष्णो देवी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। मैं जा रही हूँ अकेली दर्शन करने, बहुत टाइम बाद, बहुत लंबे टाइम बाद मैं दर्शन करने जा रही हूँ। और मैंने घर से ब्लॉग बनाना था लेकिन किसी कारण में नहीं बना पाई। और अभी मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग, स्टार्ट किया। बहुत ही जो है हम लोगों को आनंद आने वाला है इस ब्लॉग में, तो लास्ट तक जरूर बने रहना यार। लोग बड़े वो है यहाँ पे मस्ती वाले, मेरे को ऐसे कर रहे। तो बोलो जय माता दी, और हम अपना यात्रा जो है यहाँ से आरंभ करते हुए, और बोलो जय माता दी, जय माता दी। चलो अभी देखो मैं बिल्कुल नहीं थकूंगी, 3-4 साल बाद मैं दोबारा जा रही हूँ यहाँ पे। हमारा ना चैलेंज है कि 4 घंटे में मुझे आन जान करना है यहाँ से। अभी मैं नीचे हूँ, यहाँ से निकलना 4 घंटे में माता रानी का दर्शन भैरव बाबा से होके आन जान कर लेना 4 घंटे में, बिना रुके बिना आराम किए। देखते हैं कि क्या बनता है, इसके लिए जानना जरूरी है आपके लिए कि कितने टाइम में होता है। ठीक है, बाय बाय। अभी बज रहे हैं 1 सेकेंड, 12:23 हो रहे हैं। हम लोग अभी नीचे अभी स्टार्ट हुए चलना, तो देखते हैं 12:30, 3:30, 4:30 हमें वापस नीचे होना है। देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, जय माता दी, ब्लेसिंग्स हमारे लिए देना, और आप सबको भी माता रानी जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। ठीक है, जय माता दी। अभी हमारी यात्रा यहाँ से आरंभ होती है। बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो मैंने ना, मुझे पता आपको भी पता बहुत चल रहा, तो अभी मैंने ना स्लीपर ले लिए ताकि चलने में थोड़ी आसानी हो जाए, और शूज़ मैंने वहीं छोड़ दिया। और अभी हम यहाँ पहुँच गए बालगंगा। यहाँ पे जो है माता वैष्णो देवी ने अपने बाल धोए थे, और अभी हम यहाँ पे जाते हैं। और पानी का थोड़ा हम पानी से स्नान तो नहीं कर रहे, अभी हम पाँव रखते हैं वहाँ पर, हाथ में धोते हैं। ठीक है, आगे देखो कितना बहाव है पानी का। प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग मैं अर्धकुंवारी पहुंचने वाली हूं, और आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं। ये नज़ारा मुझे इतना पसंद है, मैं जब भी आती हूं यहां पे मुझे इसको देखना बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर है ये। ये है कटरा शहर, और अभी हमने ऊपर जाना है वैष्णो देवी। दोस्तों अभी ना 1:30 बज रहा है, और हम पहुँच गए अर्धकुंवारी, और हम खा रहे हैं अभी छोले। ठीक है, ब्लैक चना। ये दिखाती हूँ आपको, देखना मंकी कैसे सो रहे हैं। वो देखना कितने प्यार से आंखें बांध देती है ऐसे, मतलब सुबह हो गई है ना, मेरे को तो नहीं ऐसी नींद पड़ती भाई, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मैं ना बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, इसीलिए मैंने ना सोचा थोड़ा यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह मिल रहा था, तो मैंने सोची कॉफ़ी ले ली है, चॉकलेट और बन। तो अभी थोड़ा एनर्जी आएगा मेरे में, फिर मैं चलूँगी। ठीक है, हम फिर कंटिन्यू करेंगे, और अभी बहुत ही कंटिन्यूसली हम चले जा रहे हैं। तो अभी बहुत टाइम लगना है हमें वैसे, तो चैलेंज का पता नहीं लगा पूरा हो पाएगा कि नहीं। 4 घंटे में हम लोग, मैं वापस आ पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे, मंजिल को पाना है तो कोशिश करते रहेंगे। बाय बाय, अपने आराम से। भाई मेरी बुरी हालत हो गई चल चल के, 2:30 बज रहे हैं अभी, और भवन पहुँचने वाली हूँ मैं। 1 किलोमीटर रहता ऊपर, और मेरी
मैं आपको क्या बताऊं, इतनी दौड़ने के बाद भी जो है 2:30 अभी बज चुके हैं, अभी पहुंचेंगे हमें वापस भी, मैंने वापस भी जाना है, अभी दर्शन करने में बहुत टाइम लग सकता है, वहाँ नहाना भी है, तो 4 घंटे का चैलेंज पता नहीं कैसे पूरा होगा, तो चलो दौड़ते हैं, देखते अपना चैलेंज पूरा करना है हमने कैसे भी करके। आ जाओ, आप देख सकते हो भवन के पास पहुंच गए हम, और 2:30 बज रहे अभी, मेरे भवन के पास अभी 1 किलोमीटर भी नहीं लगता मुझे, अभी तो 1/2 किलोमीटर लग रहा है मुझे, और ये देख के मेरे को मेरे अंदर और उत्साह आ गया, और सामने देख सकते हो भवन कितना प्यारा लग रहा है, इसकी लाइट्स चेंज हो रही है, कितना प्यारा लग रहा है, मतलब दिल खुश हो गया यहीं से देख के। जय माता दी, चलो आओ प्यारे दोस्तों, हम लोग भवन पहुंच गए हैं और रोशनी हो गई है, तो मेरा भांडा फूट चुका है कि मैं 2:30 बजे यहाँ पहुंची हूँ फ्लान डिमकार, तो मैं अपना चैलेंज पूरा नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है यहाँ पे पहुंचने में, 12-13 किलोमीटर है तो इतना आसान नहीं होता है, 2-3 घंटे में कोई भी नहीं पहुंच सकता, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी, और मुझे माफ़ कर दो झूठ बोलने के लिए माता रानी के, हाँ कि मैं झूठ बोल रही थी, लेकिन माफ़ कर दो मुझे, माता रानी ने तो कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि कितने पास है हम भवन के, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, अभी हम लोग चेंज करेंगे, नहाएंगे, नहाने के बाद कपड़े बदलेंगे, कपड़े बाल भी धोंगे शायद मैं, फिर हम दर्शन करने जाएंगे, और फिर हम भैरव घाटी भी जाएंगे। देख सकते हो रश इस किस्म का है, इतना रश है, ज्यादा तो नहीं है बट फिर भी रश है थोड़ा बहुत। मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जय माता दी। चलो अभी मैंने चेंज कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, और मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, तो सूट पहना है मैंने, कंफर्टेबल भी है, और अब हम यहाँ पे ना अपना जो है सामान वगैरह सबमिट कर रहे हैं, और अभी बहुत टाइम हो गया, 10 बज गए, हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया था उसके बाद हमने चेंज किया था, और अभी हम बहुत टाइम से हमने 2 घंटे रेस्ट कर लिया था मैंने, उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ दर्शन के लिए, और अभी फ़ोन वगैरह सबमिट करना पड़ेगा, तो दर्शन करने के बाद आके मिलूंगी मैं आपसे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। ये देखो मेरी ब्रेड, सुंदर ब्रेड, मैंने इस पर फ्लावर्स लगा दिए बेल के साथ, और आप ये देख सकते हो मैं कहाँ हूँ, पीछे कितना सुंदर मौसम है, बादल किस तरह से आए हुए हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भैरव घाटी के लिए, और आप देख सकते हो धुंध किस हिसाब की पड़ रही है, ये आपको मैं मौसम दिखाती हूँ, धुंध दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखो कैसे बादल उड़ रहे हैं, ये देखो कितना अच्छा मौसम है, ये देखो, और वो कितना सुंदर लग रहा है पहाड़ उधर, ये देखो, पीछे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक है चलते हैं बाय बाय। तो हम ना अभी भैरव घाटी जा रहे हैं, वो भी रोप वे से, क्योंकि चल चल के हमारी बस हो गई तो अब हम ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है, लंबी इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है ना, ये देखो ये नीचे ये इतनी लंबी लाइन है रोप वे के लिए। अभी हम यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, अभी तो अभी बहुत टाइम लगेगा, इतनी लंबी लाइन पता नहीं कब हो पाएगी बाय। तो हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो गया है, हम लोग दूसरे वे में रॉन्ग वे में हमें एंट्री मिल गई है, तो अब हम जल्दी जा पाएंगे, मतलब नहीं लगना पड़ेगा। जय माता दी, जय माता दी। जल्दी आ गए यहाँ से, देखते हैं क्या बनता है। जय बाबा भैरव की। जय माता दी। दोस्तों हमारे भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए, मेरी आंखें नहीं खुल रही है क्योंकि मुझे लग रहा है मैं सूरज के बहुत पास आ गई, लेकिन सूरज को देख ही रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइट धुंध है, जो कि मुझे पसंद है वाइट कलर, यहाँ से नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और यही धुंध मेरी आंखों में लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बस आसमानों के बीच आ, ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच आ गई हूँ मैं, यहाँ मतलब हर जगह धुंधी धुंध, मुझे तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा। तो अभी मैं जो है भवन जाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वहाँ पर खाना खाएंगे, हमें बहुत ही आनंद आया, मुझे तो इस यात्रा में बहुत मज़ा आया, आपको कैसा लगा
आप भी बताना कमेंट करके। चलो नीचे चलते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो मुझे ना बहुत भयंकर वाली नींद आ रही है, तो मैं डोमिनोज दिख गया था, वही खाने आ गए। और देख सकते हो मैंने पिज्ज़ा और कोक आ गया है। इसको खाने के बाद खाना भी खाऊंगी मैं, इससे बुरा गुजारा नहीं होगा। बहुत नींद आ रही है मुझे, नींद में मैं खा रही हूँ। सो बस पिज़्ज़ा खा के ना हमारा मन नहीं भरा, फिर हमने खाए राजमा चावल। राजमा चावल खाने के बाद हम निकल गए अब यहाँ से भवन से। अब नीचे जाके ब्रेक लगेगी, तोड़ तोड़ के जाना। हमने वहाँ से देखा था कि बैटरी वाली गाड़ी हमें मिल जाए, लेकिन उसका ना एंड अभी बंद था हुआ, तो इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। अभी देखते हैं, तो डेढ़ घंटे में बाय नीचे। अभी 1 बज रहा है, देखते तो बस अभी मैं पहुँच गई बालगंगा। और यहाँ पे नहाने का तो मेरा मन था, लेकिन मैं बहुत लेट हो रही थी इसलिए नहीं नहा रही हूँ। देख सकते हो आप यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, बहुत ही अच्छा पानी यहाँ पे, साफ साफ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब मैं चूर चूर हो गई, मेरा हड्डियाँ पसलियाँ एक हो गई हैं, और खाना मैंने खा लिया है। अभी हम सीधा जम्मू के लिए निकल रहे हैं, और मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है, मतलब मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा मोच आ गई, और मेरे बालों के फूल भी सूख गए, आप देख सकते हो सब ख़राब हो गया ऐसा लग रहा है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अभी हम आपसे जम्मू जाके। सो गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ अभी, और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो मुझे बस सोना है। मैं आराम करूँगी और कुछ भी नहीं कर सकती मैं, मेरी टांगों में इतनी ज़्यादा दर्द है कि मैं बता नहीं कर सकती आपको, छाले पड़ेंगे मेरे पाँव में। पाँव में छाले पड़ गए, ठीक है, बाय बाय, मिलता है नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।